सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की झोल कैसे मिटाएं। जैसे हमारे यहाँ पे बाजू की मोरी पे झोल होती है और यहाँ पे झोल होती है, तो ये ज़्यादातर ब्लाउज में अधिकतर शिकायतें आती हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी झोल है और बाजू पे झोल है, तो आप इसको कैसे मिटाएंगे? अब इसके लिए हमें पहले इंच टेप से नाप लेना कि हमें कितनी चेस्ट का ब्लाउज बनाना है। अब देखिए, हमें 32 चेस्ट का ब्लाउज बनाना है, तो हम यहाँ से इंच टेप को नापेंगे और इसको खींचेंगे, तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे कि जहाँ तलक हमारी ये झोल है, ये कमर तो हमारी बराबर है, यहाँ तलक हमारी ये झोल है। अब बाजू की मोरी तो यहाँ पे तो सही है और यहाँ पे झोल है, तो इसको भी हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब सिलाई लगाएंगे हम नीचे से। देखिए, हमारी ये बिल्कुल भी यहाँ पे झूल नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सिलाई जितनी हमें फिटिंग की लगानी है उतनी हमने नाप के सिलाई लगा ली है। अब इतनी ही सिलाई हमें दूसरी साइड नापना है और लगानी है, और इसी तरीके से आप अपने ब्लाउज की जो फिटिंग करते हैं ब्लाउज सिलने के बाद, इसी तरीके से नाप लें और फिटिंग करें, तो आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी कि हमें यहाँ पे झोल आ रही है। हम इस तरीके से इंची टेप से नापेंगे, इसको खींच के नापना है और यहाँ पे निशान लगा देंगे। जितनी भी हमारी झोल है उस पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, और मोहरी तो हमारी ये सही है, तो हमें यहाँ तलक ही सिलाई लगानी है। अब देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है, और दूसरे कलर की रील से लगाइए जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये सिलाई इसी तरीके से आपको लगानी है, बिल्कुल भी झोल नहीं रहेगी, और जितनी भी आप फिटिंग करना चाहें तो इसी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं, चाहे वो 36 इंच हो या 32 इंच हो। अब ये देखिए, हमारा ये यहाँ से बिल्कुल सीधा गया है और यहाँ से भी बिल्कुल भी झोल नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।